चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले पर सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। रिमांड पर बच्चा चोर गिरोह, सरगना कौन? नवजातों की तस्करी, क्या है पूरी हिस्ट्री? पेरेंट्स को खबरदार करने वाले खुलासे। केशवपुर इलाके में घर से 2 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया। दिल्ली में सक्रिय बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। सीबीआई की रिमांड में गिरोह से जुड़े 7 आरोपी हैं। इन आरोपियों ने पूछताछ में जो खुलासे किए हैं, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट में हम एक एक कर बच्चा चोर गिरोह के पूरे सिंडिकेट और उनके हर कारनामे से पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले इस गिरोह का भंडाफोड़ कैसे हुआ। दरअसल सीबीआई को एक इनपुट मिला, जिसके बाद सीबीआई ने दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू किया और 7 लोगों को धर दबोचा। गिरफ्तार 7 लोगों में अस्पताल का वार्ड बॉय और महिलाएं भी शामिल हैं। गिरोह की किंगपिन इंदु पवार बताई जा रही है, जिसकी निशानदेही पर बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इंदु के अलावा नीरज, असमल, ऋतु, अंजलि और पूजा कश्यप सीबीआई के रिमांड पर हैं। सीबीआई की टीम सभी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक बच्चा चोर गैंग ने सोशल मीडिया पर वेबसाइट बनाई है, जहां वो पारदर्शिता के साथ बच्चों को सौंपने की प्रक्रिया का दावा करते हैं, जिसे देखकर बच्चा गोद लेने के इच्छुक दंपत्ति संपर्क करते हैं। जब दंपत्ति बच्चा चोर गैंग को कॉल करते हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए बोला जाता है कि हम सिर्फ जरूरतमंद दंपत्ति को ही नवजात शिशु देते हैं और पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही बच्चे को सौंपते हैं, जिसे सुन दंपत्ति उनके झांसे में आ जाते हैं और फिर दंपत्ति को बच्चा दिखाया जाता है और 4 से 5 लाख रुपए तक में बच्चे को बेच दिया जाता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में 7 आरोपी 4 दिन की सीबीआई कस्टडी में है। सीबीआई के अधिकारी सभी आरोपियों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि इस गैंग ने पिछले महीने 10 नवजात बच्चों का सौदा किया था और उन बच्चों को अलग अलग राज्य में बेच दिया था, जिनसे लाखों रुपए भी वसूले गए थे। सूत्र बता रहे कि इस पूरे गैंग ने एक वेबसाइट बनाई हुई थी, वेबसाइट के जरिए वो लोग इनसे संपर्क करते थे जिनको नवजात बच्चे की जरूरत हुआ करती थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को भी गुजरात के वडोदरा से एक परिवार नवजात बच्चे को गोद लेने दिल्ली आया था, तभी सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर दी और नवजात को दिखाने ले जा रही इंदु बच्चे समेत पकड़ी गई, जिसकी निशानदेही पर बाकी बच्चों का रेस्क्यू किया गया। सीबीआई को गिरोह ने पूछताछ में बताया कि पिछले महीने करीब 10 नवजात बच्चों का सौदा किया गया था, जिनको अलग अलग राज्यों में रहने वाले परिवार वालों को अच्छे दामों में बेचा गया था। बताया जा रहा है कि बच्चा तस्करों का यह नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है। गिरोह के लोग नवजात बच्चों को अस्पतालों, नर्सिंग होम से चोरी करते हैं या गरीब माँ बाप को बहला फुसला कर बच्चे को खरीद लेते हैं। अस्पताल के वार्ड बॉय की गिरफ्तारी ने सीबीआई के रडार पर कई बड़े अस्पताल ला दिए हैं। सीबीआई को शक है कि इस गैंग में कई आईवीएफ सेंटर भी शामिल हो सकते हैं, जहां सरोगेट माओं को भी पैसों का लालच देकर ये बच्चे लेते होंगे। फिलहाल सीबीआई टीम सभी आरोपियों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ कर रही है, ताकि पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जा सके और नवजात बच्चों को उनके माता पिता के होते अनाथ ना होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चल रहे हैं, हमारे सहयोगी जतन इस वक्त जुड़े हुए हैं। जतन, 7 लोगों के इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जाए तो सिर्फ ये संख्या 7 तक ही सीमित नहीं है, ये तय है अगर खुलासे होंगे तो कई नाम और शामिल होंगे इसमें। जतन,
आज बिल्कुल, और भी लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में सीबीआई कर सकती है, लेकिन जिन सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो बड़े चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। दो बड़ी बात इस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई। एक, ऑनलाइन बच्चों का सौदा किया जाता था और ये उस सर्च पर किया जाता था जो कि सरकारी वेबसाइट है। आपको बता दें किसी बच्चे को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए कड़े नियम कानून है, उसी तर्ज पर वो वेबसाइट बनाई गई थी लोगों को लुभाने के लिए और ये बताने के लिए कि वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो जांच में सामने आई है कि सैरोगेसी के जरिए ये बच्चों को लिया करते थे, मजबूरी का फायदा उठाते थे, बहुत कम पैसे उन माँ बाप को दिया जाता था जिनके बच्चे उनसे लिए जाते थे। और जिस तरीके से दो लोगों के नाम इसमें सबसे आगे आए हैं, नीरज और इंदु, नीरज एक हॉस्पिटल का वार्ड बॉय है, वो उन लोगों को चिन्हित करता था जिनको पैसों की जरूरत है और सैरोगेसी के जरिए उनसे बच्चे जो है वो लिए जा सके। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक महीने में 10 बच्चों का ये लोग सौदा कर चुके हैं और ये कब से नेटवर्क चल रहा था इसको खंगालने की अब सीबीआई कोशिश कर रही है। ये भी जांच की जा रही है कि क्या ये नेटवर्क सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित था या देश के दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके की इनके जो लोग हैं वो शामिल है। यही कारण है कि जो सातों आरोपी हैं उनकी पुलिस ने सीबीआई ने रिमांड ली है, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही जिन जिन लोकेशंस के बारे में ये सातों बता रहे हैं उन लोकेशंस पर भी लोकल पुलिस जो है उनको एक्टिव किया जा रहा है ताकि वहां से भी इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो ली जा सके। आपको बता दें कि रंगे हाथों इंदु को गिरफ्तार किया गया। इंदु के पास जब सीबीआई की टीम पहुंची तो वहां से दो बच्चे रेस्क्यू किए गए जो कि दिल्ली के केशवपुरम इलाके में, और केशवपुरम इलाका वो इलाका है जो बेहद पॉश इलाका है, तो आप इसी से समझिए कि ये उन इलाकों में इस तरीके से चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बिल्कुल जतिन, यानी कि पूरा नेक्सस, कैसे बच्चे को उठाना है, कैसे उसका सौदा करना है, कहां पर बच्चों को पहुंचाना है और किस तरह से उन कस्टमर्स को लुभाना है, ये भली भांति जानते थे और जिसके चलते इस पूरे घटनाक्रम को, इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल नोएडा से ये बड़ी खबर है जहां पर जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में डूबने से शख्स की मौत हुई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से जहां पर पॉश इलाके में मौजूद जीआईपी मॉल और इसमें मौजूद वाटर पार्क जहां पर डूबने से एक शख्स की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि वाटर पार्क में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में डूबने से एक शख्स की मौत और अब इस मामले की जांच। स्लाइडिंग करने के पश्चात जब ये नीचे आए तो उसमें से धनंजय को थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई और इनके द्वारा बैठ कर थोड़ी देर आराम किया गया और उसमें से दो इनके जो साथी थे वो और स्लाइडिंग में चले गए, दो इनके साथी रहे। आराम ना मिलने पर इनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया कैलाश हॉस्पिटल, यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। क्योंकि धनंजय ये मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं, इनके परिजन यहीं पर हैं, ये इनके बिजनेस और इनके बारे में और हम लोग अभी परिजन से बात कर रहे हैं। अभी हम लोग मृत्यु का कारण जो भी है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग मेडिकल जो इनका डॉक्टरों का बोर्ड है उसके द्वारा हम लोग पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कराएंगे। और सीधे ग्राउंड जीरो से लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाना चाहेंगे। लोमस, ये बहुत बड़ी लापरवाही है मॉल प्रबंधन की। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आप देख सकते हैं कल का ये मामला है और साफ तौर पर धनंजय अपने चार दोस्तों के साथ जीआईपी मॉल पहुंचते हैं जहां पर वाटर पार्क के अंदर वो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं और कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद जब वो स्लाइडिंग के पास पहुंचते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हालांकि ये कहना काफी कठिन होगा कि धनंजय की डूबने से मौत हो गई और डूबने के कारण उनकी हालत बिगड़ी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पुलिस बयान दे रही है उनका कहना है कि उनकी हालत तब खराब हुई जब वो स्लाइडिंग पर पहुंचते हैं, कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद वो स्लाइडिंग पे पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद जो जीआईपी के अथॉरिटी हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उनके द्वारा यहां से उनको अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अभी नोएडा पुलिस जांच करते हुए नजर आ रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब से कुछ ही देर के बाद वो निकल के सामने आ जाएगी और ये जांच की जा रही। बिल्कुल लोमस, आप जानकारी दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से ये जो हादसा हुआ है ये हादसा नहीं बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत बहुत शुक्रिया लोमस।